कानपुर नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सचिव दरियाबादी के नेतृत्व गोल चौराहे भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सोनभद्र जताते हुए प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया और चुनार गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया। उसके विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सचिव दबियाबाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार असफल साबित हो गई है और पूरा प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के साथ पूरी कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष के लिए तैयार है। इस मौके प्रदेश सचिव उषमा रानी, डॉक्टर निसार अहमद व कई अन्य सचिव मौके पर उपस्थित रहे। के नेतृत्व में सरकार आने के बाद और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद 13 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जिसमें 5 इस शैक्षणिक वर्ष से आरंभ हो रहे हैं, बस्ती, अयोध्या, बहराइच, शाहजहाँपुर और फिरोजाबाद। 2 अन्य जो निर्माणाधीन थे उनमें क्लासेस शुरू नहीं हो सके थे, बदायूं और ग्रेटर नोएडा, वो भी शुरू हो रहे हैं। इन 7 कॉलेजों में MBBS की 100-100 सीटें प्रत्येक में, यानी 700 सीटें और 300 कुछ सीटें EWS की, 1000 से अधिक सीटें इस वर्ष MBBS की बढ़ रही हैं। ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है और पूरे देश में उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में अग्रणी है। अभी तक कुल 1990 सीटें राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की हैं, यानी 2000 सीटें, और 1000 सीट हमारी सरकार एक साल में इस साल बढ़ाने जा रही है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।